नमस्कार R9 टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई। हरियाणा कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया गया है। इस बड़े बदलाव में आपको बता दें, पार्टी की कमान जो है कुमारी शैलजा के हाथों में सौंपी गई है, यानी कि अशोक तंवर की विदाई हो गई है। इसके अलावा ये भी बता दें आपको कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे विधायक दल के नेता। जी हाँ, इसके अलावा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है पिछले कुछ अरसे से जो टसल चल रही थी कांग्रेस संगठन हरियाणा के अंदर, उसको शांत करने की कोशिश किया और इस बात की जानकारी दी है हरियाणा प्रदेश के प्रभारी ने, यानी कि गुलाम नबी आजाद ने। और ये समझा जा सकता है कि अब टसल को शांत करना है और पार्टी क्योंकि चुनावी मुहाने पर खड़ी है, ऐसे में पार्टी को दुरुस्त होकर सामने दिखाई पड़ना है। टसल को तो शांत कर दिया गया है और ये भी माना जा रहा है चूंकि विधायक दल के नेता बनाए गए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो फिर आने वाला मुख्यमंत्री का चेहरा भी क्या उनका हो सकता है? बिल्कुल उनका हो सकता है। इसी बात पर शायद रजामंदी बनी होगी पार्टी में, क्योंकि एक दलित चेहरा अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस चाहती थी अशोक तंवर को हटाकर। बड़ी खबर इस वक्त की, अध्यक्ष बनाया गया है हरियाणा का कुमारी शैलजा को। बाकी अपडेट के लिए भी आप बने रहिए R9 TV के साथ।